कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 14वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री नरेंद्र जैन फिरोजपुर पंजाब को प्राप्त हुआ। नमो अर्गते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजिनवी से शांतिधारा करने का सौभाग्य श्री अमित जैन फिरोजपुर दीपक जैन कानपुर को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने विश्व के सभी जीव सुखी रहें ऐसी मंगल भावना के साथ शांतिधारा का उच्चारण किया। शांतिधारा करने वाले श्रीमती वनीता जैन श्री दीपक जैन एवं श्री ऋषिका जैन कोयल जैन शैलेन्द्र जी गरिमा जैन श्रेष्ठ जैन कानपुर सा परिवार से श्री नरेंद्र जी ने जे पी जैन श्री निर्मला जैन एवं श्री नरेंद्र कुमार जी जैन अमित जैन एकता जैन दिव्यांशी जैन संयम जैन विशाल जैन एवं श्री मिसाल नमन जैन आदि फिरोजपुर सा परिवार से पंकज जैन नीतू जैन सार्थक जैन भव्य जैन रिसाड वाले पानीपत सा परिवार से अभिलाषा जैन आशीष जैन लखनऊ सा परिवार से एवं श्री राजेंद्र कुमार जी शकुंतला देवी जैन की पुण्य स्मृति में दिनेश जैन रजनी जैन पुत्रिया खुशबू सपना रक्षा काजल जैन लंदन एवं श्री एवं चमन प्रकाश जी मालती रानी जैन आदि स्वर प्रकाश पल्लवी जैन प्रिय दर्शनी जैन वसुंधरा गाजियाबाद श्री राज स्वर्गीय राजवाला जैन की स्मृति में राम भूल जैन संजीव विजय नितिन सार्थक जैन कोमल प्रगति खुशी कवि सी जैन सरदना मेरन नरेंद्र कुमार जी जैन राजेश जैन अर्थजा जैन कृतिका जैन श्राविका श्री देहरादून सा परिवार से रहतू मल जी जैन प्रमोद जैन सिंह की विदित जैन चांदनी चौक दिल्ली कमला देवी जैन पदम चंद जैन अरवन स्टेट गुरुग्राम हरियाणा एवं श्री कांता जैन पत्नी नरेंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र मधु मधु जैन सलिल जैन लवली जैन सिद्धार्थ जैन देन निरंजनपुर देहरादून उपस्थित इंद्र परिवार से इंद्राणी परिवार से समस्त परिवार से साधना जी जैन संगीता जैन आदि मम व्यादिम ध्वनंतो मूल नायिकादिना चरणार विंदेभ्यो शांति धारा पूर्णम निर्वामिति स्वाहा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप का प्रज्वलन श्रीमती एकता जैन फिरोजपुर बबीता जैन कानपुर ने किया। बाजे छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे बाजे रे बाजे छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे बाजे रे ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे ये धर्म अहिंसा वालों का श्री वीर प्रभु मत वालों का इस धर्म का भैया तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 90 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती लता जैन श्री अजय जैन रीवा वाले आयुषी ईशा प्रज्ञा मनु शिवांग अंकु जैन जेपी अमन नोएडा श्रीमती सरिता पांड्या दिलीप पांड्या सनी प्रतिभा दिया अनायशा निशल नीवक
महक अरहन सिद्धि, डॉली राघव शिवांश अरहांश जैन समस्त पांड्या परिवार अहमदाबाद को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मानव जीवन मैंने अनेकों बार पाया है, लेकिन आज तक हमने निज का भेद समझ में नहीं आया है। लेकिन आज आपको देख करके, आपकी भक्ति एवं गुरुओं की धर्म देशना को सुन करके अंदर में भाव जागृत हुआ है कि यदि सच्ची लगन और भक्ति के साथ में यदि कोई भी काम किया जाए तो वो जरूर से जरूर हमारे मनोबल को, मनवांछित फल को देने वाला हो सकता है। मात्र हमें चाहिए विश्वास एवं श्रद्धा। वो कैसे? तो एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रोज प्रतिदिन जंगल में जाता है और लकड़ी तो काटता ही है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, काटते काटते उसकी नजर मुनिराज के ऊपर पड़ गई, क्योंकि अपने दिगंबर मुनिराज जंगलों में ही रहते थे तो वो भी ध्यान में लीन थे और इसकी नजर मुनिराज के ऊपर पड़ गई। नजर तो पड़ गई, जैसे लाखों की गाड़ी एक ब्रेक और एक चाबी पर निर्भर करती है, करोड़ों का मकान हमारा एक ताला और एक चाबी पर निर्भर करता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी, हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। मुनिराज सब कुछ दिखते थे, लेकिन उस लकड़हारे ने जैसे कि मुनिराज को देखा, चरणों में पहुंच गया, वहीं लकड़ी का गट्ठा रख दिया, चरण छू लिए, मुझे भी कुछ अच्छा बताओ जिससे कि मेरा भी जीवन अच्छा बने। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी धारी होते थे, जैसे ही लकड़हारा को देखा, बाहर की भेषभूषा को नहीं, चेहरे को नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके भावों से होती है, व्यवहार से। तो बोले, और कुछ नहीं, तुम नमो अर्घन तालम पढ़ा करो, मुझे नहीं आता। तो मुनिराज ने उसे सिखा दिया, क्या? नमो अर्घन तालम। बोले, कुछ भी काम करना, बस सिर्फ और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही भव का कूलक है और ज्ञान ही शिव का फूल और राग रहित अनुकूलक है और राग सहित प्रतिकूल। तो कहते हैं कि बस तुम इतना करना, कुछ भी करना, बस इसे पढ़ते रहना। क्या पढ़ना? नमो अर्घन तालम। अब वो लकड़हारा लकड़ी काटता है, यही पढ़ता है, लेकिन मार्केट में बेचने गया ना, तो वहां भी क्या पढ़ रहा है? नमो अर्घन तालम। अब लेने वाले आ रहे हैं और ये ही रट रहा है। तो लो, एक सेठ जी थे, उनने सोचा जंगलों जंगलों घूमता है, कुछ हो गया होगा। तो उनने उसके जेब में 100 रुपए रखे और लकड़ी का गट्ठा उठवा कर ले गए। इसे जैसे ही 100 रुपए आए, लकड़ी का गट्ठा गया, घर पहुंचा, रोज तो 10 रुपए लेके जाता था, उस दिन 100 रुपए। पत्नी बड़ी कुछ प्रसन्न हो गई, आज तो 100 रुपए आ गए। उसने कहा, आज तो पूड़ी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, हलवा भी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए कभी खाने नहीं मिला और बन गया। अब ये तो लेकिन पैसे दिए और अपने काम में लग गया। क्या काम में लग गया, बोलो ना? नमो अर्घन तालम। ऐसे ही जैसे ही भोजन तैयार हुआ, पत्नी ने बुलाया, आ गया खाने के लिए। और जैसे ही, अब महिलाओं की आदत होती है, कुछ भी नया आइटम बनाएगी तो क्या कहेगी, खाने वाले जो बैठेंगे तो क्या पूछती है, बोलो? अच्छा, आप लोग ही थे क्या वहां? कह रहे, कैसा बना? तो अब उससे पूछ रहे, कैसा बना? और वो कह रहा है, नमो अर्घन तालम। वैसे हमेशा उत्तर देता था, आज तो बस हर चीज में नमो अर्घन तालम। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, मैंने तो कितने अच्छे मन से खीर पूड़ी
हलवा बनाया के नमोरंता, उसने लकड़ी उठाई, पहले ये गैसेस नहीं चलते थे, लकड़ी उठाई और उसने भी दोहराया, देखती हूँ कौन लग गया इनके लिए, नमो गर्गन तालम करके, क्योंकि भूत प्रेत अग्नि से डरते गए, तो उसने वो एक मारा नमो अरण तालम कहते ही, और जैसे उसने वो लकड़ी मारी जलती हुई, और ये बोल रहा है नमो अरण तालम कि सारे अंगारे बिखर करके क्या बन गए, हीरा मोती पन्ना जवाहरात बन गए। ओम नि विश्व नारायण के लिए महावीर अक्षर संहिता भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्री नरेंद्र जैन वीनू जैन फिरोजपुर पंजाब ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच सुदूर प्रदेशों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती प्रभा, श्रीमती आकांक्षा, निखिल आह्वान, रानू मीनल, सोनाली जैन, अडानी बिल्डिंग मुंबई, श्रीमती शोभा जैन, तुषारकांत जैन, आशी आयुष जैन नेहरू नगर गाजियाबाद, श्रीमती रुक्मिणी भूषण जैन, मधु दीपक जैन न्यू मित्तल मेडिकल मुजफ्फरनगर, श्रीमती सुशीला जैन, सुशील जैन, स्वप्निल विकास, वैभव, तारा देव, चीनी जैन, मोदी नगर ने पाठ का वाचन किया। ओम नीम नाना दुख समुद्र तारणाय के लिए महावीर जाचर संहिताय हृदय स्थित आय श्री शबदेव जिनेन्द्र अरिगम निर्भवामिति। प्रथम बले मध्य पूर्ण निभामिति। ओम नीम सकल मनवांचित फल प्रदात्रे क्ली महावीर जाचर संहिताय हृदयस्थ श्री शबदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्भवामिति। आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरियों पर श्रीमती एकता जैन फिरोजपुर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। दर पे पुजारी आया है, दर पे पुजारी ओ बाबा, हस्तिनापुर वाले आदि बाबा, आया है तेरे दर पे पुजारी, अष्ट दर्व का अर्घ ले पूजू आदि जिनेश, सोन स्थल कमला सने राजत है परमे। ओम नीम नाना दुख विलीनाय क्ली महावीर जाचर संहिताय हृदय स्थित आय श्री शबदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्भवामिति। समस्त स्थानीय जैन समाज ने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ओम नीम समस्त पुष्प जाति वृष्टि प्रत्यारोपताय क्ली महावीर जाचर संहिताय हृदय स्थित आय श्री शबदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्भवामिति। ओम नीम तन्नांग नवनिगम नि शक्ति संपन्नाय क्ली महावीर जाचर संहिताय हृदय स्थित आय श्री शबदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्भवामिति। ओम रीम एट्टे चत्तारीं सद्दल कमलाधिपति क्ली महावीर जाचर चैताय दैताय ब्रसवनाजिनेन्दाय अर्घ्यम पुनर्घ्यम महारेगम निभामिति स्वाहा। ओम नीम अरम नमो ईजनानमर्ग निभामिति स्वाहा। ओम नीम अरम नमो पत्ते बुद्धानमर्ग निभामिति स्वाहा। ओम नीम अरम नमो अस्सी विषाणम अर्गम निभामिति। ओम नीम क्लीम श्री मनम सीसनाति धंकरा नमः। मम कर्म विनाशनाय क्ली मनोवांछित फलदायकाय मोक्ष पुरुषा सत्से जय नाला पुनर्गम निभामिति। आज आपकी पूजा करके मेरा मन आनंद हुआ, हे प्रभु पर तब पथ पर चलकर शाश्वत सुख ये प्राप्त हुआ, पुण्य कर्म का उदय हुआ हो पाप कर्म भी मंद हुआ, ज्ञान नहीं है शब्द नहीं भावों की ये भाषा है, हे प्रभु वर इस पाठ को करके आज मुझे इस तरह के आनंद की अनुभूति हुई है कि मैं चाहती हूँ हमेशा निरंतर मुझे यह अवसर प्राप्त होता रहे और आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर इसी तरह मिलती रहे, जिससे हमारे जीवन में भी आनंद और मंगल इसी तरह छाया रहे। हे प्रभुवर आपसे यही विनती है निरंतर मुझे ये पाठ करने का सो अवसर मिलता रहे। यह कैलाश पर्वत मंदिर में विधान चल रहा है 48 दिनों का, तो आप सभी जैन परिवार सदस्यों से निवेदन है कि आप यहाँ आएं, यहाँ बहुत ही आनंदमय माहौल है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आज के विधान का विसर्जन डॉक्टर पुष्पा जैन सदर मेरठ ने किया।
पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती सुनीता जैन जेसी जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की ने किया। परम पद भज सुख लीजे वीर महावीर बोलो जय जय महावीर वीर महावीर बोलो। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती विनीता जैन सुधीर जैन तितुल तल्ला कलकत्ता ने किया। जगमगी आरती की आदि स्वर भगवान की जगमग आरती की जय आदि स्वर भगवान की प्रथम देव अवतारी प्यारे तीर्थंकर गुण गान की जगमग जगमग आरती की जय। चौबीसों भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन नरेंद्र जैन वीनू जैन फिरोजपुर पंजाब द्वारा किया गया। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, आदिश्वर प्रसाद जैन नोएडा, अनिल जैन कुक्कू जी मेरठ, अरुण जैन मुजफ्फरनगर, धन प्रकाश जैन गाजियाबाद, अनिल जैन रुड़की का विशेष सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर ए, एक विजेता पद्मावती जैन इंदौर, अरुण श्री सवाई माधोपुर, रेखा जैन जसपुर, सांत्वना पुरस्कार विभा जैन बड़ौद, सुमन जैन गुरुग्राम, वीना जैन दिल्ली। आज का प्रश्न, भगवान कितने होते हैं? ए एक, बी 24, सी 1008 या डी अनंत।